तो एक एक करके हम लोग जर्मन यूनिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं, बैकग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। फिर से जर्मनी के ऊपर फिर से नेपोलियन कंक्वेस्ट करेगा जैसे इटली के ऊपर किया, और जर्मनी यूज टू बी अ पार्ट ऑफ 300 स्टेट, जैसे इंडिया के अंदर करीबन 565 के आसपास स्टेट्स हुआ करते थे, उसी तरह से जर्मनी में भी 300 स्टेट्स थे। अब ये नेपोलियन यहाँ पे ये स्टेट को यूनिफाई करने की कोशिश करेगा और उनके बीच में एक फेडरेशन बना देगा, और टोटल नेपोलियन 300 से 39 स्टेट्स के अंदर उनको यूनाइट कर देंगे। जैसे हम लोग आज की तारीख में 565 से आज की तारीख में आप बोल सकते हो कि वी आर 829 और स्टेट्स, तो उस तरह से यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे नेपोलियन भी करता है, और ये जो राइन फेडरेशन है ये राइन फेडरेशन यहाँ पे बना देगा 39 स्टेट्स के अंदर में। ओके, तो 300 से 39 नेपोलियन कर देता है, और यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि इनके बीच में नेपोलियन बेसिकली एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल का एक पार्लियामेंट जैसा खड़ा कर देगा, जिसे हम लोग कहते हैं डायट। ओके, तो यू विल सी कि नेपोलियन बेसिकली जर्मन को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा 300 से 39, और ये 39 के बीच में आपको जानकारी मिलती है कि इनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसका उतने यहाँ पे ध्यान रखा है। अब हुआ ये कि 1800 तक नेपोलियन चला, और नेपोलियन ने यहाँ पे जर्मन लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मैसेज दे दिया, तो जर्मन्स भी खुश, नेपोलियन भी खुश, साथों साथ जर्मनी के अंदर इसने फ्री ट्रेड किया, तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, तो जर्मन लोगों के बीच में यहाँ पे जो यूनिफिकेशन की जो भावना थी वो यूनिफिकेशन की भावना बहुत स्ट्रांग हो गई, बोले इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है। थर्डली जर्मन नेशनलिज्म डेवलप हुआ, और इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि भाई नेपोलियन जर्मनी को यहाँ पे मदद करेगा। ओके, तो बोलते हैं ना क्वेश्चन कि इट वॉज नेपोलियन हु किंडल्ड द जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस, बट द बिस्मार्क कैरिड इट फॉरवर्ड एंड मेड इट इन अ कॉन्क्रीट सेंस। ओके, तो नेपोलियन और बिस्मार्क दोनों का रोल आपको जानकारी रहनी चाहिए जर्मनी के यूनिफिकेशन के अंदर में। ओके, सो दिस वॉज द फ्रेंच एम्पायर, यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि दिस इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन कहाँ पे था, नेपोलियन की कंट्रोल में। यहाँ पे स्पेन हुआ करता था, मैंने आपको बताया कि स्पेन के अंदर भी नेपोलियन हुआ करता था, यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर हुआ करता था जो फ्रांस को कभी भी पसंद नहीं करता था, और ये कंडीशन के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि ये नेपोलियन के अलाइज हुआ करते थे, ऑस्ट्रिया जैसे आप बोल सकते हो, या इटली के अंदर उसका एम्पायर हुआ करता था, नेपल्स तक आपको जानकारी मिलती है कि सर्डेनिया को छोड़ के सब जगह के ऊपर नेपोलियन का था दबदबा। ओके, अब 1815 के अंदर जब नेपोलियन की हार हुई, और यहाँ पे एक मीटिंग हुई वियना के अंदर, और वियना कांग्रेस मैंने आपको समझाया, और वियना कांग्रेस ने बेसिकली डिसाइड किया कि 300 जर्मन स्टेट्स को 39 के अंदर हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, और नेपोलियन ने ऑलरेडी इनके बीच में राइन फेडरेशन बना दिया था, जैसे इटली के अंदर रिवर्स किया वैसे जर्मनी के अंदर नहीं होगा। अब ये वियना फेडरेशन, वियना कांग्रेस ने तो डिसाइड किया था कि हम लोग को तो मोनार्की लानी है, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी दैट द वियना कांग्रेस कुड नॉट रिवर्स द इंटीग्रेशन ऑफ राइन फेडरेशन। बोले ये जो 39 में से वापिस जो 300 का प्रोसेस है वो भाई साहब हमसे ना हो पाई, तो बोले क्या कर रहा जाए, इसके लिए ये लोग डिसाइड करते हैं दैट द डायट और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, वहाँ पे जो लोग आया करते थे जो जर्मन पार्लियामेंट के अंदर, एक इनका जो कॉमन आप बोल सकते हो एक प्रतिनिधित्व वाली सभा थी, उसकी जगह के ऊपर आपको जानकारी मिलती है कि ये 39 स्टेट्स का लीडर बना दिया जाता है, किसको, ऑस्ट्रिया को। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल नाम की जो बॉडी थी उसकी अध्यक्षता को इनडायरेक्टली ख़त्म करने की कोशिश की, और उसकी अध्यक्षता फाइनली ये 39 स्टेट्स का बिग बॉस कौन बन गया, ऑस्ट्रिया। अब देखिएगा कि ये 39 स्टेट्स में से सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था प्रशिया, और प्रशिया को पसंद नहीं आएगा कि भाई ऑस्ट्रिया उसका शासक हो गया है और उसके ऊपर रूल कर रहा है, हेंस ऑस्ट्रिया वुड बी द रूलर ऑफ द 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी, जो राइन फेडरेशन नेपोलियन ने बनाया था, वो राइन फेडरेशन का शासक कौन होगा, अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया, और ये ऑस्ट्रिया यहाँ पे अपना तिकड़म चलाता है। अब ये ऑस्ट्रिया बेसिकली ये जो स्टेट्स थे जैसे बडान है, सैक्सोनी है, प्रशिया है, आपको दिख रहा है, ओके, मेक्लिनबर्ग है, ओके, हैनोवर है, ओके, होल्स्टीन है, वैसे बहुत सारे कंट्रीज थे वहाँ पे इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलता है स्टेट्स हुआ करते थे जो जर्मनी के एक ही पार्ट के अंदर थे, और इनका ही ये 39 स्टेट्स का यहाँ पे यूनियन हुआ करता था। ओके, सो यू विल सी
अब देखिएगा कि 1815 में जब वियना ऑर्डर आया, तो वियना ऑर्डर के कारण जैसे इटली के अंदर लोगों को गुस्सा भड़क गया था, वैसा ही गुस्सा जर्मनी के अंदर भड़केगा। जर्मनी को लोगों को लगता है कि भाई हम लोग के साथ अन्याय किया है, क्योंकि हमको ऑस्ट्रिया का पार्ट बना दिया। हम लोग तो एक फेडरेशन वाले लोग थे और ये फेडरेशन का लीडर्स ऑस्ट्रिया को बनाया, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था बुर्शेनशाफ्ट। ये बुर्शेनशाफ्ट बेसिकली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम था कि हमको जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद को और मजबूत करना है, एंड वी शुड यूनिफाई द जर्मन स्टेट्स। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि यहाँ पे जो मेटरनिक हुआ करता था वो मेटरनिक को पसंद नहीं आता। इसके साथ साथ जर्मनी के अंदर 1815 की ही शुरुआत से आपको जानकारी मिलेगी कि बहुत सारे फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस आएंगे। ये फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस बेसिकली जर्मनी के लोगों को बताएंगे कि भाई तुम्हारा इतिहास बहुत ही ग्रेट था, आप तो बहुत ही अव्वल नंबर के लोग हो। बोले आप क्या कर रहे हो, आप क्यों डिवाइडेड हो, आपको तो एक हो जाना चाहिए। एंड दे हाईलाइटेड द कॉमन कॉज फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मन्स। और इन्होंने बेसिकली जर्मनी के लोगों के बीच में कल्चरल यूनिटी डेवलप कराई। व्हेन दिस कल्चरल यूनिटी वाज डेवलप्ड अमंग द जर्मन पीपल्स, तो ये हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स, जैसे फ्रांस के अंदर इन्होंने बुद्ध का काम किया था, उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पे जो हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स थे उन्होंने भी बुद्ध का ही रोल प्ले किया, कि उन्होंने हाईलाइट कराया कि भाई आप लोग को इकट्ठा होना है, आप जब ही एक हो पाओगे तो ही आपको ज़्यादा फायदा है। और इसके लिए इन्होंने जर्मन लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद, एक नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप कर दी। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि ये जर्मनी के जितने भी लोग थे उनके अंदर एक अवेयरनेस फैलाई। जैसे एक हुआ करता था हीगल, हीगल ने ये सब चीज़ें बताई है और उसने बताया है कि जर्मन्स को कैसे इकट्ठा रहना है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, जो जर्मनी का ही नागरिक हुआ करता था, और उसने ये सब चीज़ें जर्मनी के लोगों के अंदर आइडेंटिफाई कराया, और इसके कारण उसकी भी बहुत सारी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। थर्डली, ये जर्मन स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी एक कॉन्फेडरेशन, एक यूनियन जैसी फीलिंग तो थी, और इसके कारण जब नेपोलियन ने जो फेडरेशन बनाया था, ये फेडरेशन के अंदर आपको जानकारी मिलेगी कि ये लोग इकोनॉमिकली भी एक होने की कोशिश करेंगे। व्हेन दे बिकम, दे ट्राई टू गेट इकोनॉमिकली इनटू अ यूनियन, और यही यूनियन फाइनली 1918-19 के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जर्मनी का कस्टम यूनियन। ये कस्टम यूनियन बेसिकली इनिशियली 19 जर्मन स्टेट्स ने बनाया था, और उसकी लीडरशिप करता था प्रशिया। ये प्रशिया बेसिकली जर्मन स्टेट्स को बताता था कि आपको इकोनॉमिकली एक हो जाना है, आपको इकोनॉमिकली यूनाइटेड हो जाना है, तो आपका भला होगा, तो ही आपका विकास होगा। एंड एज अ रिजल्ट 1834 तक आते आते यहाँ पे ये सब जर्मन स्टेट्स ने कस्टम यूनियन बना दिया, और वो कस्टम यूनिट्स को बोले जाता है जोलबरीन। ओके, तो वुलवरीन का भाई जोलबरीन, आप याद रखेगा कि ये कस्टम यूनियन जर्मनी के अंदर बनता है। अब देखेगा कि ये कस्टम यूनियन के अंदर ऑस्ट्रिया को छोड़ के बाकी सब के सब 39 स्टेट्स ने उसके मेंबर बन गए। बोले हमको तो एक ही हो जाना है, और ऑस्ट्रिया अपना ईगो के अंदर रहा, बोले ये तो छी चिंदी लोग है, ये प्रशिया करा रहा है ये सब कुछ, बोले मैं ज्वाइन नहीं करूंगा जरा ऑस्ट्रिया का, तो मेरा तो खुद का ईगो है। सो ऑल द स्टेट्स इन द राइन फेडरेशन बाय 1834, जो 1819 से यहाँ पे इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया था, उन्होंने इसके अंदर सबने मेंबरशिप ले ली। और जब कस्टम यूनियन बनाते हो, आपको जानकारी रहनी चाहिए कि ये आपके लिए बहुत ही इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, बट ऑस्ट्रिया अपने ईगो के अंदर रहा, बोले नहीं मैं तो ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं तो ऑस्ट्रिया हूँ, मैं तो यहाँ पे मेटरनिक हूँ, मैं तो यूरोप के ऊपर अपना दबदबा चलाता हूँ, बोले ये छोटा मोटा चिंदी चोरी का काम मैं नहीं करूँगा। एंड एज अ रिजल्ट प्रशिया गॉट द मैक्सिमम बेनिफिट बींग द लीडर, एंड प्रशिया डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और जैसे ही प्रशिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेवलप की, तो साथों साथ प्रशिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी भी डेवलप की। अब देखिएगा कि प्रशिया, ये जोलवरिन के कारण उसको जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक फायदा हुआ, वो जब वॉर होगी, वो वॉर के अंदर प्रशिया अपनी आर्मी को यूज करेगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द जोलवरिन विच वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, उसी का ही एडवांटेज लेते हुए प्रशिया पावरफुल होता है। और प्रशिया, यही प्रशिया अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया को चैलेंज कर देगा कि भाई तू निकल यहाँ से, तू यहाँ पे सुपर इम्पोज करा रहा है चीज़ें, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ओके, तो ये था आपका जर्मन प्रशियन लीडरशिप के अंदर वाला, दिस इज प्रशिया, जो आपका बहुत ही डार्कर शेड दिख रहा है आपको। ओके, एंड ऑल दिस आर द अदर स्टेट्स, और इन्होंने जोलवरिन बनाया था 1834 तक आते आते यहाँ पे बहुत सारा जोलवरिन के अंदर डेवलपमेंट हुआ। अब देखिएगा कि जोलवरिन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है, और इसके लिए बहुत सारे हिस्टोरियंस, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आया है
कि दैट द जर्मन यूनिफिकेशन वॉज अचीव थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बोले जर्मनी के अंदर पहले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ और ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ने अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करने के लिए अपनी शुरुआत करा दी थी। ओके, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे हुआ और ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पीछे जॉलवरिन का क्या रोल रहा है। बेसिकली जॉलवरिन एक कस्टम यूनियन था। अब कस्टम यूनियन बेसिकली किसके ऊपर फोकस करता है, अगर आप थोड़ा बहुत इकोनॉमी जानते होगे तो यहाँ पे ये कॉमन मार्केट के ऊपर फोकस करेगा। बोले मार्केट एक कॉमन कर दो। अब इस कस्टम यूनियन इसने कॉमन मार्केट किया और कॉमन मार्केट के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ। तो ये जितने भी स्टेट्स थे, ये जितने भी एरियाज थे, उनके बीच में कॉमन मार्केट हो गया, यहाँ पे जीरो बैरियर्स हो गए और इसके कारण ये स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ अल्टीमेटली आपको जानकारी मिलेगी कि डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगा। बोले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हमारे यहाँ पे जो डिमांड है उसे और फुलफिल कराओ, और इसके कारण इन्होंने ये पूरी की पूरी अपनी डिमांड एक एक करके खड़ी कर दी, डेवलपमेंट को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके, कस्टम यूनियन को लेके, मार्केट को लेके। एंड एज अ रिजल्ट यू विल रियलाइज कि ये जितने भी जॉलवरिन के लोग थे, जो सभ्य थे, द मेंबर्स ऑफ जॉलवरिन, इनके बीच में एक स्ट्रेंथ आ गई, बोले हमको एक ही हो जाना है, वी शुड बी यूनाइटेड। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे इनके बीच में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। एंड दिस इकोनॉमिक प्रोग्रेस अर्ज फॉर द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पॉलिसी लेवल के ऊपर स्टेट टू स्टेट डिफर किया करती थी। जैसे प्रशिया की पॉलिसी कुछ अलग होगी, या आप बोल सकते हो कि पॉलिटी कुछ अलग होगी, या हैनोवर की पॉलिटी कुछ अलग थी, या सैक्सोनी की पॉलिसी कुछ अलग थी। और इसके कारण यहाँ पे इनके बीच में ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप का जो क्राइसिस आ रहा था, इसके कारण इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, और इकोनॉमिकली तो इनको फ़ायदा दे रहा था, प्रशिया डेवलप हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें। तो ये जितने भी स्टेट्स के बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने यहाँ पे फोकस कराया कि भाई ये जो कस्टम यूनियन बना है, ये कस्टम यूनियन बहुत ही एडवांस है। बोले ये कस्टम यूनियन बेसिकली जिसको जॉलवरिन कहते हैं, ये जॉलवरिन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो द जॉलवरिन विच वॉज क्रिएटेड एट दैट टाइम एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि इसने इकोनॉमिकली जर्मन्स को इंटीग्रेट किया। सेकेंडली जर्मन्स वर कल्चरली इंटीग्रेटेड एज वेल। जर्मन्स को तोड़ा तो गया ही नहीं था कि 39 स्टेट्स में से उसको अलग कर दिया हो। तो जर्मनी के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि ये 39 के 39 स्टेट्स तो वैसे ही थे, खाली उसके ऊपर कौन रूल किया करता था। बोले बिग बॉस। बिग बॉस कौन है? बोले ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया चाहता है कि प्रशिया ये करे। ओके, तो उस तरह की सिस्टम चला करती थी उस टाइम के अंदर। तो जॉलवरिन जब बना तो ये स्टेट्स को और फील आया, ये स्टेट्स को और इनको ज़रूरत पड़ी कि हमको एक हो जाना है। अब देखिएगा कि ये जॉलवरिन के कारण इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। अब दिस इकोनॉमिक प्रोग्रेस अर्ज फॉर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, एक पॉइंट तो ये होता है। सेकेंडली जॉलवरिन के कारण जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ तो बहुत सारा जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास का भी ग्रोथ हुआ। अब ये जो जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास था, दे बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। जैसे एक प्रशिया से, एक सेक्शन से, एक हैनोवर से, एक फलाने जगह से। एंड यू विल सी कि ये जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास को कंपीट करना था और भी इंपीरियल पावर्स से उस टाइम के अंदर। वो इंपीरियल पावर्स हुआ करते थे आपके ब्रिटेन, वो इंपीरियल पावर हुआ करता था आपका फ्रांस। एंड दे रियलाइज कि यार इनको अगर हमको कम्पीट करना हो तो हमारा खुद का साम्राज्य होना चाहिए। बोले हो नहीं सकता अगर हम लोग छोटे छोटे स्टेट्स में यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लोहा लेने की कोशिश करेंगे तो हमको रौंद दिया जाएगा, विल बी क्रश्ड इजिली बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। एंड एज अ रिजल्ट दिस जर्मन एंटरप्रेन्योर, दिस जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास ऑल्सो थॉट दैट वी शुड गो फॉर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि इनको खुद का साम्राज्य बनाना था। और साम्राज्य तभी बन सकता है जब जर्मनी नाम का कंट्री या जर्मनी नाम का जो प्रदेश था वो उसको यूनिफाई होगा। यूनिफाई होगा, एक सिस्टम आएगी, एक पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, हमारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, तब हम लोग बड़ा एम्पायर बनाएंगे। और एम्पायर बनाने के बाद एक एक करके ब्रिटेन और फ्रांस को चैलेंज करेंगे। बोले एक एक करके चैलेंज, और वो किया जर्मनी ने। 1870 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और वही जर्मन्स सबके सब इकट्ठे होंगे और उसके बाद एक एक करके ब्रिटेन को चैलेंज करेंगे, फ्रांस को चैलेंज करेंगे। फ्रांस को तो खत्म कर देता है बिस्मार्क। बोले जादूगर था बिस्मार्क,
यू विल रियलाइज कि यहाँ पे फ्रांस को दबाने की कोशिश करता है बिस्मार्क, और इसके अंदर से भी ये उसको करने की कोशिश करेगा। तो ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे दो देश हुआ करते थे जिनका बड़ा साम्राज्य था, और जर्मन्स को ये अर्ज दिलाई अपने एक एम्पायर बनाने के लिए कि भाई एम्पायर तभी बन पाएगा जब हम लोग यूनिफाइड होंगे, और यूनिफिकेशन तभी होगा जब ये कैपिटलिस्ट क्लास यहाँ पे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए बोध करेगा। सो दे वर हैविंग द कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटेन एंड फ्रांस, और ये कैपिटलिस्ट क्लास ने भी अपना जो जर्मन साम्राज्य बढ़ाना था, कि जर्मन साम्राज्य तभी बन सकता है जब पॉलिटिकली जर्मन से यूनाइटेड, तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए भी यहां पे पुश किया है। ओके, सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अर्थ द जर्मन टू गेट यूनाइटेड, अर्थ द जर्मन स्टेट्स टू गेट यूनाइटेड, तो आपको इसकी भी जानकारी रहनी चाहिए। थर्डली, ये जॉलवरिन बेसिकली एक पॉलिसी लेके आता है जिसका नाम है कोल एंड आयरन पॉलिसी। अब देखिएगा कि जर्मनी का इंटीग्रेशन दो तरह से होता है, एक तो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, इसके ऊपर मैं आता हूं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के ऊपर, ये लाता है बिस्मार्क, और उसके पहले ये पोस्ट वाला पीरियड है, पोस्ट 1850s वाला पीरियड, बट प्री 1850s इट वाज पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और उसको बोलते हैं कोल एंड आयरन की नीति। ये कोल एंड आयरन की नीति बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, और ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ने जर्मन्स को पॉलिटिकली अर्ज कर दिया कि हमको एक हो जाना है। सो यू विल सी दैट द कोल एंड आयरन पॉलिसी एंड द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, इनके बीच में अंतर क्या है और इनके बीच में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, वो आपको जानकारी रहनी चाहिए। सो द इकोनॉमिक प्रोग्रेस अर्ज द जर्मन स्टेट्स टू गेट यूनाइटेड एंड द रोल ऑफ जॉलवरिन, आपको जानकारी रहनी चाहिए। ओके, तो वुल्वरिन का भाई जॉलवरिन, याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ से आता है। अब 1848 तक का समय आ गया, ये जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उनको फ्रांस की क्रांति की असर हुई, क्योंकि ये जो फ्रांस के अंदर क्रांति होती है फरवरी 18 जुलाई 1848 के अंदर, तो ओके, तो इसके कारण हुआ ये कि मेटर्निक भाग गया इंग्लैंड के अंदर, मेटर्निक भाग जाता इंग्लैंड के अंदर, और मेटर्निक यहाँ से ऑस्ट्रिया का शासन छोड़ देगा। बट इसके बाद भी आपको जानकारी मिलती है कि ऑस्ट्रिया का कंट्रोल जर्मनी के ऊपर ख़त्म नहीं हुआ, ऑस्ट्रिया स्टिल रूल्ड ओवर जर्मनी, और यहाँ पे जो आपके फ्रांसिस जो आया करते, जो आपके इनके जो लीडर हुआ करते थे, ये फ्रांसिस यहाँ पे रूल करते हैं, और अल्टीमेटली ये ऑस्ट्रिया के शासक बन जाते हैं। ओके, तो मेटर्निक भाग गया इंग्लैंड, बट ऑस्ट्रिया का दबदबा यहाँ पे कंट्रोल यहीं हुआ। ओके, थर्डली, यहाँ पे प्रशिया का राजा था फ्रेडरिक विलियम, उसको यहाँ पे जर्मनी का राजा बनाने की कोशिश की गई, बट ये प्रशिया के राजा ने मना कर दिया, बोले नो आई डू नॉट वॉन्ट टू बी किंग अब जर्मन स्टेट्स, ऑस्ट्रिया है ऑलरेडी, मुझे ऑस्ट्रिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आना नहीं है, लेट थिंग्स पास बाय, हम लोग उसके बाद डिसाइड करेंगे। 1848 का आपका जुलाई रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, और 1850s के अंदर जर्मनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस के अंतर्गत आपको जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे बिस्मार्क नाम का एक शासन आता है। ये बिस्मार्क नाम का शासक बेसिकली प्रशिया का चांसलर हुआ करता था, और ये चांसलर के नाते, चांसलर मतलब पीएम के इक्विवेलेंट ही है, प्रीमियर के इक्विवेलेंट ही पोस्ट है, जैसे आज की तारीख में भी जर्मनी के अंदर चांसलर ही है एंजेला मर्केल, आपको जानकारी रहनी चाहिए उसकी भी। ओके, बट यस, दिस बिस्मार्क यहाँ पे उसका इमरजेंस होता है, और वो बताता है कि प्रशिया विल यूनाइट जर्मनी, जस्ट लाइक पीडमोंट सार्डिनिया, उसका कौन हुआ करता था शासक, काउंट केवर, तो उसी तरह से ये बिस्मार्क बताता है दैट द प्रशिया विल यूनाइट जर्मनी एंड द जर्मन यूनिफिकेशन विल टेक प्लेस अंडर द प्रशियन लीडरशिप, बोले प्रशिया करेगा, याद रखेगा, बाकी कोई स्टेट नहीं कर सकता, हम ही करेंगे, हम ही आपको छुट्टी दिलाएंगे। और साथों साथ बिस्मार्क ये भी बताता है, बोले द जर्मन यूनिफिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस बाय गिविंग स्पीचेस इन पार्लियामेंट एंड हो ना कि भाई और बहनों और बहनों और भाई, बोले नहीं चल सकता, बोले जर्मनी को एक करना है तो मिलिट्री वे में ही होगा, बोले यू कैन नॉट कन्विंस ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस और द अदर कंट्रीज टू लीव दिस जर्मन टेरिटरीज, क्योंकि फ्रांस कैप्चर करके बैठा था भाई, फ्रांस ने जर्मन टेरिटरीज साउदर्न जो एरियाज थे जर्मनी के वो कैप्चर करके रखे थे, डेनमार्क ने कैप्चर करके रखे थे, ऑस्ट्रिया तो उसके ऊपर ही रूल करता था, तो उसको पता था कि भाई उनको अगर मैं कन्विंस कराऊंगा बोल बोल के तो वो कभी नहीं होंगे, बट इफ आई टेक्स अ मिलिट्री एक्शन तो हो सकता है। और इसी के कारण बिस्मार्क अपनी एक नीति लेके आया जिसे कहते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बोले लो और रक्त की नीति, क्रिटिकली एनालाइज, बोले बिस्मार्क्स ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वो किस तरह से करता है। अब 1862 तक समय आ गया, 1862 में बिस्मार्क पीछे बहुत काम किए वो सब हम नहीं देखेंगे, 1862 के अंदर
बिस्मार्क को चांसलर के तौर के ऊपर अपॉइंट किया जाता है राजा के द्वारा, जो विलियम फ्रेडरिक जो जर्मनी के प्रशिया के राजा थे उसको अपॉइंट करते हैं। और बिस्मार्क बोल देता है कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यूज़ करूँगा। अब ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या है, बेसिकली इट डिस्प्लेस वॉयलेंस एंड स्ट्रेंथ। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के पहले कौन सी आई थी, कोल एंड आयरन पॉलिसी। ये कोल एंड आयरन पॉलिसी क्या थी, आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात थी। ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है ये मिलिट्री वे में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेगा। ओके, सो यू विल रियलाइज दैट द मिलिट्री वे इंटीग्रेशन द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस, और वो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वायलेंस के ऊपर फोकस करता है। सेकेंडली बिस्मार्क बताता है दैट इश्यूज आर टू बी सॉल्व ओनली थ्रू फोर्स। बोले यहाँ पे बड़ी बड़ी स्पीचेस और डिप्लोमेसी में कुछ नहीं होगा, अगर जर्मनी को यूनाइट करना है तो बोले युद्ध करना पड़ेगा। बोले कह के उनको बोलना पड़ेगा कि हम लोग ये टेरिटरीज लेंगे आपसे, है ना। तो ये चीज थी बिस्मार्क के अंदर। तो बिस्मार्क ने डिसाइड कर दिया कि प्रशिया की लीडरशिप के अंदर ही जर्मनी को यूनाइट करेंगे और साथों साथ युद्ध का सहारा लेके ही जर्मनी को यूनाइट करेंगे। सो बिस्मार्क ने पूरी तरह से डिसाइड कर दिया था, और वही पॉलिसी को हम लोग लोहर रक्त की नीति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रशिया इज नॉट अ कंट्री बट विथ एन आर्मी, बट एन आर्मी विथ अ कंट्री। प्रशिया इतना एडवांस हो चुका था अपनी मिलिट्री एम्बिशंस को लेके, और उसको पता था। तो एक हिस्टोरियन बोलते हैं, बोले प्रशिया इज नॉट अ कंट्री विथ एन आर्मी बट एन आर्मी विथ अ कंट्री। बोले पूरी का पूरा देश सेना ही है, देश के पास सेना नहीं है बॉस, पूरा कंट्री ही आर्मी है। बोले जितने भी पॉपुलेशन है सब लोग सैनिक है उसके। बोले इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, एंड एज अ रिजल्ट बाय 1862 यहाँ पे बिस्मार्क अपनी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को लागू कराने की कोशिश करेगा। अब बिस्मार्क को बेसिकली पता था कि भाई यूनिफिकेशन प्रशिया की लीडरशिप के अंदर होना चाहिए, और अगर प्रशिया की लीडरशिप के अंदर होगा तो ऑस्ट्रिया की जो जर्मनी के ऊपर पकड़ है उसको उसको लूज करना पड़ेगा। ही बिलीव दैट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया कैन नॉट बी टूगेदर इन द यूनिफाइड जर्मनी। बोले ऑस्ट्रिया बहुत शोषणकारी राज्य है, ऑस्ट्रिया नहीं रह सकता भाई हमारे साथ। ऑस्ट्रिया तो हम लोग का रूलर है, बिग बॉस बन के बैठा है। उन्हें बताया ना कि बिग बॉस चाहता है कि बिस्मार्क कमरे में आए। ओके, तो उस तरह से है। सो यू विल रियलाइज दैट दिस ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया कैन नॉट बी टूगेदर, और ये चीज बिस्मार्क ने बताया था। इसके लिए बिस्मार्क बोलता है दैट द ऑस्ट्रिया शुड लीव द जर्मन स्टेट्स। और दूसरा भी उसको ये भी पता था कि फ्रांस लाइक नो उतना स्ट्रांग है, तो हमको उसकी भी टेरिटरीज चाहिए। सो बिस्मार्क के पास टू वे प्रोसेस था, और बिस्मार्क को पता था कि फ्रांस बहुत ही पावरफुल है और उसकी टेरिटरीज भी हमको उससे लेनी पड़ेगी। ऑस्ट्रिया हमारे साथ नहीं रह सकता, और उसके दो ही दुश्मन थे। बोले एक था फ्रांस, दूसरा था ऑस्ट्रिया। तीसरी बिस्मार्क को पता था कि बहुत सारी टेरिटरीज ये और भी कंट्रीज ने पकड़ के रखी थी, जैसे एक था डेनमार्क। डेनमार्क ने नॉर्दर्न जर्मनी के स्टेट्स को कब्जा करके रखा था, तो बिस्मार्क को उसी चीज़ का भी गुस्सा था। ओके, बट द प्रॉब्लम फॉर जर्मन यूनिफिकेशन वॉज देयर। द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज दैट द डेनमार्क वॉज कंट्रोलिंग द नॉर्दर्न जर्मन एरियाज, ऑस्ट्रिया स्टिल हैड द डोमिनेशन ओवर द जर्मन स्टेट्स, एंड द थर्ड इश्यू फॉर बिस्मार्क वॉज दैट फ्रांस कंट्रोल द साउदर्न जर्मनी। तो इन शॉर्ट, प्रशिया खाली ऑन पेपर जर्मनी का बॉस बनना चाहता था, ऐसा हो गया। जब तक डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बिस्मार्क हरा नहीं देगा, तब तक यहाँ पे वो कभी भी जर्मनी को यूनाइट नहीं कर सकता था। अब बिस्मार्क देखता है कि यार डेनमार्क को हराना है तो स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी। बोले हमारे स्टेट्स तो ज़्यादा उतने पावरफुल नहीं है। ऑस्ट्रिया को हराना है तो स्ट्रेंथ चाहिए, साथ साथ डिप्लोमेसी भी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस तो एकदम वो है ना कि जिगरी दोस्त है, यार है दोनों। और ये चीज़ भी थी, फ्रांस को हराना है तो ऑस्ट्रिया बीच में आ जाएगा। बोले यार तो फंस गए, वो तो काउंट केवर वाली बात ही हो गई कि भाई ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने यहाँ पे शासन किया करते थे। द फ्रांस एंड द ऑस्ट्रिया वर हैविंग गुड रिलेशंस। अब देखो, काउंट केवर ने जब इटली का यूनिफिकेशन करना था तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस को अलग किया कि नहीं किया, अलग अलग पट्टे में लिया कि नहीं लिया। पहले फ्रांस के साथ ट्रीटी की, और वही फ्रांस के साथ वॉर भी करेगा इनडायरेक्टली। तो जब रोम को इंटीग्रेट किया तो फ्रांस वाला ऐसे ही थोड़ी दे देगा यार। बट यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि यही काउंट केवर की पॉलिसीज को बिस्मार्क भी फॉलो कराता है, और इसी को ही हम लोग कहते हैं द डिप्लोमेटिक और द डिप्लोमेसी यूज्ड बाय बिस्मार्क
फॉर द जर्मन इंटीग्रेशन। बोले जर्मनी का एकीकरण करने के पीछे बिस्मार्क क्या करता है। बिस्मार्क न्यू दैट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया कैन नॉट बी डिफीटेड इन सिंगल वॉर, और वो भी डायरेक्ट तो कभी नहीं, उसकी औकात ही नहीं थी बॉस। बिस्मार्क यार फंस गए, बोले अब क्या करें। तो बोले क्या एक एक करके सबको लेते हैं, एक एक करके सबको पट्टे में लेके। बिस्मार्क यहाँ पे अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज़ करेगा। बिस्मार्क देखेगा कि वे डेनमार्क थोड़ा कमज़ोर है, तो पहले डेनमार्क से जो जर्मन टेरिटरीज है वो ले लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रिया को थोड़ा प्रोवोक करेगा, एंड फाइनली फ्रांस को। अब ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को 1864 के अंदर, ऑस्ट्रिया को 1866 के अंदर, एंड फाइनली फ्रांस को 1870 के अंदर वो प्रोवोक कराएगा। अब देखेगा 1864 में डेनमार्क के खिलाफ वॉर करेगा, और जो नॉर्दर्न जर्मनी के जो स्टेट्स से उसको लगता था कि हमारे हैं, उसको इंटीग्रेट करा देगा। उसके बाद वो यहाँ पे 1866 में ऑस्ट्रिया को प्रोवोक करेगा, और ऑस्ट्रिया को प्रोवोक करने के बाद वहाँ पे एक वॉर करेगा, और वॉर करने के बाद उसके साथ एक ट्रीटी करेगा जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। इसके ऊपर आऊँगा मैं फ्रैंकफर्ट के अंदर। और उसके बाद फाइनली 1870 में वो फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध करता है, और उसके बाद जो साउदर्न जर्मन स्टेट्स थे, साउथ जर्मनी के जो स्टेट्स थे, वो साउथ जर्मनी के स्टेट्स को भी वो अपने राज्य के अंदर इंटीग्रेट कराता है। अब देखिएगा एक एक करके ये क्या करेगा। यहाँ पे बिस्मार्क अपनी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का ही यूज़ करता है। अब देखिएगा केक कटेगा, सब में बटेगा, इन सब को एक एक करके केक का टुकड़ा खिलाया जाता है। सबसे पहले बात कर देते हैं डेनमार्क की। अब बेसिकली डेनमार्क को 1815 में जो वियना ऑर्डर हुआ ना, वो वियना ऑर्डर के अंतर्गत दो एरियाज मिल गए थे। वो एरियाज का नाम था स्लेश्विग एंड होल्स्टीन। जर्मनी बोलता था कि भाई ये एरियाज हमारे हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्मन पॉपुलेशन है, एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो कौन थी, जर्मन पॉपुलेशन। और इसके लिए जर्मनी थ्रू आउट डेनमार्क से क्लेम किया करता था कि भाई देखो देखो यार वो हमारे एरिया से। अभी डेनमार्क को बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिले थे, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत अधिकार दे दिया था। और होता यह है कि 1864 के आसपास डेनमार्क ये पूरी की पूरी टेरिटरीज, ये जो स्लेश्विग और होल्स्टीन के जो प्रदेश है जो जर्मनी और डेनमार्क के बीच में आए, नॉर्दर्न जर्मनी आप बोल सकते हो, उनको एनेक्स करने की कोशिश करेगा। क्योंकि डेनमार्क का राजा को लगा कि अब बहुत टाइम हो गया है, मैं एनेक्स कर देता हूँ। अब जैसे ही डेनमार्क उसको एनेक्स करने की कोशिश करेगा, तो बिस्मार्क बोलेगा कि भाई तू नहीं कर सकता एनेक्स, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग गुड प्रैक्टिसेस, यू आर नॉट फॉलोइंग गुड प्रैक्टिसेस। और ये बिस्मार्क दौड़ता दौड़ता यहाँ पे ऑस्ट्रिया के पास जाएगा, और ऑस्ट्रिया को बोलेगा कि बॉस डेनमार्क इज एनेक्सिंग अवर टेरिटरी, कुछ करना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया वाला बोला कि हाँ भाई ये तो हमारी टेरिटरी है, ये तो गलत हो गया है। एंड एज अ रिजल्ट ही मीट द ऑस्ट्रियन रूलर फ्रांस जोसेफ, उसको मिलेगा, और उसके बाद उसको कन्विंस करता है कि अगर डेनमार्क हमारी टेरिटरी को एनेक्स कर देगा तो स्लेश्विग और होल्स्टीन हाथ से चला जाएगा। तो बोलता है क्या किया जाए, बोले युद्ध कर दो। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी दैट ऑन द 1 फरवरी 1864 प्रशिया की फोर्सेस थी वो स्लेश्विग के अंदर घुसेगी। दिस इज स्लेश्विग, प्रशिया की फोर्सेस वो स्लेश्विग के अंदर घुसेगी, और डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और प्रशिया एक साइड के ऊपर युद्ध कर देंगे। सो ऑन द वन साइड इट वॉज डेनमार्क आर्मी, डेनिश आर्मी, ऑन द अदर साइड इट वॉज द ऑस्ट्रियन एंड प्रशियन आर्मी, और फाइनली इनके बीच में एक युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद प्रशिया फाइनली स्लेश्विग को एनेक्स कर देगा अपने अंदर। ऑस्ट्रिया को बोल दिया जाएगा कि तुम होल्स्टीन रखो। अब देखो बिस्मार्क बहुत स्मार्ट था, बिस्मार्क को पता था कि अगर मैं ऑस्ट्रिया का होल्स्टीन नहीं दूंगा तो ऑस्ट्रिया हमसे बुरा मान जाएगा कि भाई हमने युद्ध क्यों किया, तो फिर हमको कुछ तो मिलना चाहिए ना। और इसके कारण बिस्मार्क होल्स्टीन दे देता है। थोड़े समय के बाद बिस्मार्क यही होल्स्टीन का बेस बना के ऑस्ट्रिया को प्रोवोक करेगा, बोले ला ला ऑस्ट्रिया, होल्स्टीन हमारा है, होल्स्टीन तो हमने तुमको वो तो गलती से दे दिया था 1864 के अंतर्गत। सो यू विल सी दैट विद द वॉर अगेंस्ट बिस्मार्क, बिस्मार्क यूज्ड अ वेरी स्मार्ट डिप्लोमेसी, ही गेव होल्स्टीन टू ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया को जब होल्स्टीन दिया तो यही होल्स्टीन के बेस के ऊपर वो उसको प्रोवोक कराने की भी कोशिश करेगा। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि बिस्मार्क की डिप्लोमेटिक स्किल्स ये जो होल्स्टीन नाम का प्रदेश है वो ऑस्ट्रिया को दे देता है। अब 1866 का समय आया, 1866 के अंदर बिस्मार्क तुरंत ही ऑस्ट्रिया से डिमांड करेगा कि होल्स्टीन ले चल वापिस दे दे मुझे होल्स्टीन। ऑस्ट्रिया बोलेगा कि भाई ये थोड़ी है, हमने तो 2 साल पहले आपसे ट्रीटी करके लिया था कि भाई आप स्लेश्विग रखेगा, हम उनको होल्स्टीन दे दे।
बट 1864 के अंदर तो हॉलस्टीन तो ऑस्ट्रिया को दिया है, एंड एज ए रिजल्ट बिस्मार्क बोलता है कि आई नीड टू गेट हॉलस्टीन टू यूनिफाई जर्मनी। बोले मेरा तो एक ही गोल था, वो तो 2 साल तक मैंने आपको टेम्पररी दिया था, और इसके कारण यहाँ पे बिस्मार्क को लगता है कि ऑस्ट्रिया के साथ क्या किया जाए। अगर ऑस्ट्रिया के साथ अगर वो उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट करेगा तो ऑस्ट्रिया उसको दौड़ा दौड़ा के पीटेगा। अब ये कंडीशन के अंदर बिस्मार्क डिसाइड करता है कि मुझे ऑस्ट्रिया के जो अलाइज है ना उसको कट आउट करना चाहिए। बिस्मार्क देखता है कि ऑस्ट्रिया के दो भाई बहन थे, दो मित्र थे, एक तो था ब्रिटेन, एक था फ्रांस और तीसरा था रशिया। बोले रशिया भी उसकी मदद कर सके, यहाँ पे नहीं जाएंगे हम लोग, फ्रांस और रशिया के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अब बिस्मार्क बहुत ही शाना इंसान था, बिस्मार्क यहाँ पे 1863 में रशिया को मदद करेगा बैकग्राउंड के अंदर, और वो डिसाइड करेगा कि भाई ये जो पोलैंड के अंदर जो क्रांति हो रही थी वो क्रांति रशिया ने दबा दी, और इसके कारण वो बिस्मार्क बोलेगा कि भाई रशियंस हैव डन द राइट थिंग। और जैसे ही रशियंस उसके फेवर में आ गए उसको मौके के ऊपर चौका मिल गया। जैसे ही आप समझिए कि जैसे काउंट केवर था, काउंट केवर ने क्या किया 1854 के अंदर, क्रीमिया के अंदर अपनी आर्मी भेजी, और आर्मी भेज के ब्रिटेन और फ्रांस का कॉन्फिडेंस जीता कि नहीं जीता, तो उसी तरह से ये बिस्मार्क करेगा। बिस्मार्क जब रशियंस अपने ऑपोजिशन फोर्सेस को सप्रेस कर रहे थे तो उनको सपोर्ट कर देगा, बोले नहीं 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 यू आर राइट रशियंस, द पोलिश आर द रॉन्ग। और इसके कारण आपको जानकारी मिलती है कि बिस्मार्क के जो जो ऑस्ट्रिया के अलाइज थे उसको एक एक करके कटआउट करता है। यही कंटिन्यूएशन प्रोसेस चला, और यही कंटिन्यूएशन के प्रोसेस के अंतर्गत बिस्मार्क फ्रांस के पास जाएगा और नेपोलियन III को बताता है कि भाई मैं तुमको है ना थोड़ी बहुत टेरिटरीज दे देता हूँ, बट फ्यूचर के अंदर अगर ऑस्ट्रिया और प्रशिया की युद्ध हुई ना तो तुम न्यूट्रल रहना। नेपोलियन ने बोला कोई बात नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ना? बोले हाँ पक्के से। अब देखो नेपोलियन बहुत ही वो था ना कि बोल सकते हो आप वो क्या क्या कहते हैं हम लोग कि एक राजा था उसको टेरिटरी मिलती रहती खुश हो जाता था, उसको समझ में नहीं आता लोग इसको उल्लू बना के चले जाते। 1858 में काउंट केवर ने इसको उल्लू बना दिया जब सेवोई और नाइस दे दिए और मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिया, नेपोलियन के फेवर में हो गया। यहाँ पे भी जो बिस्मार्क था बिस्मार्क यही चीज़ करेगा। बिस्मार्क ने नेपोलियन को बता दिया कि देख मैं तुमको थोड़ी बहुत टेरिटरीज दे देता हूँ, जैसे ही मैं आपको टेरिटरीज दूंगा तुम न्यूट्रल रहना, ऑस्ट्रिया और प्रशिया का युद्ध हो सकता है कभी भी। नेपोलियन बोलेगा कि एवरीथिंग एज इज कॉस्ट एज इज प्राइस। बोले दिया तो सही इतनी टेरिटरीज, नेपोलियन चुप हो गया। बिस्मार्क को पता था कि अब ऑस्ट्रिया की मदद कोई नहीं कर सकता, नो वन वुड हेल्प ऑस्ट्रिया, एंड बिस्मार्क न्यू दिस थिंग। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे धीरे 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 बिस्मार्क हॉलस्टीन के जो लोग थे ना उनको थोड़ा इंस्टिगेट करेगा। बोले क्या कर रहे हो, ऑस्ट्रिया के अंदर थोड़ी रहना है तुमको, वो तो 2 साल तक टेम्पररी दिया था, आ जाओ मेरे साथ। तो ऑस्ट्रिया के लोगों ने रिबेल किया, हॉलस्टीन के लोगों ने रिबेल किया, और जैसे ही ऑस्ट्रियन के लोगों ने रिबेल किया तो ऑस्ट्रिया ने तुरंत इंटरवीन किया। ऑस्ट्रिया ने बोला कि बिस्मार्क तू गलत कर रहा है भाई, यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग। बोले तू तो गयो बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया का राजा बहुत गुस्से हुआ, ऑस्ट्रिया का राजा इतना गुस्से हो गया बिस्मार्क को बोल दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा। और बिस्मार्क बहुत छाना था, उसने ऑस्ट्रिया को प्रोवोक करा के उसको वॉर के अंदर लेके गया। बिस्मार्क को पता था कि उसके जो अलाइज थे ऑस्ट्रिया के कौन था, फ्रांस और रशिया, उसको कभी भी मदद नहीं करेंगे। रशिया को मैंने पट्टी पढ़ा दी है कि भाई मैं तो तुम्हारा सिपाही साथी हूँ, फ्रांस को मैंने बहुत सारी ज़मीन दे दी है। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि 1866 में बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को बोलता है कि भाई तू क्या मुझे चैलेंज करेगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आ जा। और दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ और वो युद्ध कहते हैं बैटल ऑफ सडोवा। इसको कोनिग्राज भी कहा जाता है, ओके ऑस्ट्रियो जर्मन वर्ड है, प्रशियन वर्ड है, बट हम लोग इसको बैटल ऑफ सडोवा याद करेंगे। और ये बैटल ऑफ सडोवा के बाद प्रशिया युद्ध जीत जाता है, क्योंकि प्रशिया बहुत पावरफुल हो चुका था, प्रशिया ने ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक अलाइज काट दिए थे, और प्रशिया को पता था कि उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और उसके बाद प्रशिया यहाँ पे 21 स्टेट्स का एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाता है। वेरी स्मार्ट मूव बाय बिस्मार्क, इतना स्मार्ट मूव बिस्मार्क करता है कि बात मत पूछो। ये कॉन्फेडरेशन यहाँ पे बिस्मार्क बनाता है। अब इससे आपका एडवांसमेंट चलता रहेगा। इसके बाद अगस्त 1866 का समय आया, और ये अगस्त 1866 के अंदर बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी करेगा। बोले हमने तुमको हराया है कोई बात नहीं, बट हम तुमको बाजीगर बनाएंगे, है ना,
हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ऑस्ट्रिया को बोलेगा कि देख भाई, हम खाली होल्स्टीन लेंगे आपसे, ट्रीटी ऑफ प्राग, प्राग नाम की जगह है, आज के तारीख में जेक रिपब्लिक का शायद कैपिटल है, ओके, बट ये प्राग या प्राग कहते हैं, ये प्राग के अंदर बेसिकली ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी करेगा, और ये ट्रीटी में ऑस्ट्रिया को बोलेगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट इंटरफियर इन टू जर्मन अफेयर्स। देख भाई, मैं तुमको ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडली, इन फ्यूचर कि अगर फ्रांस के साथ हमारा कुछ लफड़ा हुआ, कुछ बैटल बैटल हो गया, कुछ युद्ध युद्ध हो गया, तो तू फ्रांस को सपोर्ट नहीं करेगा। देखो, बिस्मार्क बहुत स्मार्ट था। इस ट्रीटी के पहले उसने किसने साथ ट्रीटी की थी? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ ट्रीटी करके उसने क्या किया? तुरंत ही उसने ऑस्ट्रिया के अलाइज काट दिए। अब ऑस्ट्रिया को हराया और ऑस्ट्रिया को ह्यूमिलिएट नहीं किया, बट ऑस्ट्रिया का रिस्पेक्ट मेंटेन किया और ऑस्ट्रिया को कॉन्फिडेंस में लिया कि देख भाई, स्लेश्विक और होल्स्टीन है ना, हमको दे दे भाई। वो तो स्लेश्विक तो ऑलरेडी था, होल्स्टीन भी दे दिया। इसके साथ साथ उसने बोल दिया कि भाई, यहाँ पे तुम इंटरफियर नहीं करोगे, फ्रांस के साथ कुछ हुआ तो तुम करोगे नहीं, ओके, इंटरफियर। एंड एज अ रिजल्ट वो यहाँ पे एक प्रशियन टेरिटरी को कंक्लूड कराते कराते आगे एडवांस करेंगे, ओके। सो ऑस्ट्रिया विल नॉट इंटरफियर इन द फ्यूचर, ऑस्ट्रिया ने बोल दिया ओके बॉस, क्योंकि उसने हराया। बट हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। तो बिस्मार्क यहाँ पे बाजीगर निकला बॉस, क्योंकि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हरा के ह्यूमिलिएट नहीं किया। ह्यूमिलिएट ना करते हुए ऊपर से ऑस्ट्रिया की रिस्पेक्ट मेंटेन रखी। बोले देख, मुझे होल्स्टीन चाहिए था, तुमने दिया होल्स्टीन, तुम खुश मैं खुश, अपनी जगह चलते हैं सीधा सीधा भाई साहब, तुम इंटरफियर मत करना। अभी ऑस्ट्रिया वाला बोला कि चलो हार गए हैं, अब तो ज़्यादा क्या करना है। यहाँ पे 1866 में बिस्मार्क ये मास्टर स्ट्रोक खेलता है, और बिस्मार्क को पता था कि अब एक जगह बाकी है, वो है साउदर्न जर्मनी। बाय दिस बिस्मार्क अश्योर्ड ऑस्ट्रियन न्यूट्रलिटी। तो ऑस्ट्रिया अगर न्यूट्रल रहेगा तो फ्रांस को कोई मदद कर पाएगा? बोले कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब फ्रांस अकेला हो गया। पहले ऑस्ट्रिया को कोई मदद कर पाएगा? नहीं, क्योंकि पहले ऑस्ट्रिया को अकेला किया था। बोले यार, मास्टर स्ट्रोक इंसान है भाई, थोड़ा बोटा थोड़ी काम करते हैं। अब बेसिकली बिस्मार्क को पता था कि ही नीडेड टू इंटीग्रेट द टू एरियाज ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन। ये आल्सेस एंड लॉरेन जो बेसिकली साउदर्न जर्मनी के पार्ट हुआ करते थे, ये साउदर्न जर्मनी के पार्ट वाले आल्सेस एंड लॉरेन के ऊपर रूल किया करता था फ्रांस, और ये फ्रांस बेसिकली यहाँ पे कैथोलिक पॉपुलेशन भी यहाँ पे रूल किया करते थे। और बिस्मार्क को पता था कि ये कैथोलिक पॉपुलेशन फ्रांस के दबदबे वाली है, साथों साथ ये ज्योग्राफिकली फ्रांस से ज़्यादा यूनाइटेड है। एंड एज अ रिजल्ट बिस्मार्क न्यू दिस थिंग कि ये आल्सेस एंड लॉरेन जो साउदर्न जर्मनी के पार्ट है, और उसको पता था कि उसके ऊपर डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। बिस्मार्क को ये भी पता था कि वो फ्रांस के साथ युद्ध भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ ट्रीटी की हुई थी, ऑस्ट्रिया को अलग करते वक्त बोले तुमको टेरिटरीज देंगे, और बिस्मार्क को ये चीज़ जानने में आ गई थी कि हम लोग इसको यूनाइट नहीं कर सकते। तो बिस्मार्क देखता है, बोले आई विल वेट फॉर द राइट टाइम। ये राइट टाइम 1866 के बाद से ही ये शुरुआत हो जाएगी, ओके। सो इन फ्रांस आफ्टर द ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर द सिचुएशन वॉज टेंस। अब फ्रांस के जो लोग थे वो राजा नेपोलियन के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। बोले राजा, तुम क्या कर रहे हो? ऑस्ट्रिया हमारा अलाई था, बट आपने क्या किया? आप न्यूट्रल क्यों रहे? अब राजा उनको बोल तो सकता नहीं है कि भाई, बिस्मार्क ने मुझे माल दे दिया था, बहुत सारा पैसा दिया था, बहुत सारी टेरिटरीज दी थी, इसके लिए मैं चुप रहा। वो था ना कि डीजीपी तो छुट्टी पे है, वैसी बात थी यहाँ पे कि भाई किंग नेपोलियन तो छुट्टी पे है। ऑस्ट्रिया ने मदद मांगी तो नेपोलियन ने बोल दिया कि भाई मेरा बीपी बढ़ गया है, मैं नहीं आ सकता। सो ये कंडीशन के अंदर में आपको जानकारी मिलती है कि जब यहाँ पे ऑस्ट्रिया और प्रशिया का युद्ध हुआ तो फ्रांस के अंदर माहौल बहुत गर्म था, क्योंकि फ्रांस के लोगों को लगता था कि भाई राजा ने बहुत बड़ी गलती की है, राजा ने बहुत बड़ी गलती की है आफ्टर दिस यूनिफिकेशन ऑफ होल्स्टीन। तो फ्रांस की प्रजा ने राजा को प्रेशर डाला, बोले किंग यू नीड टू डू समथिंग। तो राजा बोलता है कि यार, लोगों को अब सब सिखाना पड़ेगा, लोग जो बोल रहे हैं उसके लिए करना पड़ेगा। और यहाँ पे राजा फाइनली डिसाइड करता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो राजा क्या करता है, बिस्मार्क को एक दिन लेटर लिखता, और लेटर के अंदर बोलता है कि ये जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो नदी निकलती है जिसका नाम है राइन रिवर, बोले उसके आजू बाजू के एरियाज है ना, उनको न्यूट्रल रखो, उनको न्यूट्रल रख दो। बोले आपका कंट्रोल नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं। बिस्मार्क बोलेगा हलवा है क्या भाई? बोले टाइम पास क्या है, यूनिफिकेशन करा रहे हैं,
ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, डेनमार्क के साथ युद्ध किया, पीछे बैकग्राउंड के अंदर हम लोग ने इतना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया है। बोले नहीं 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 भाई, कुछ नहीं चलेगा ऐसा। सो यू विल रियलाइज कि बिस्मार्क और यहाँ पे नेपोलियन, उन दोनों के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि नेपोलियन बेसिकली अपनी पब्लिक के प्रेशर में बिस्मार्क को थोड़ा बहुत लेटर बेटर लिख देता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब देखेगा फिर से फ्रांस की प्रजा उसको यहाँ पे प्रेशर करेगी, और राजा को लगता है कि मुझे मेरी प्रजा का माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। बोले आई नीड टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द पीपल। और वो क्या सोचता है कि वो यहाँ पे एक लग्जमबर्ग नाम की टेरिटरी है, वो भी ब्रिटेन सॉरी जर्मनी और फ्रांस के बीच में ही आती थी, ओके अल्सेस और लोरेन के बीच वाले पोर्शन में ही है। ये जो लग्जमबर्ग नाम की टेरिटरी है ना, वो उसको खरीद देगा। बोले कि चलो मैं बाय कर देता हूँ, लोगों को दिखाऊंगा कि देखो देखो एक और नई टेरिटरी लेके आयो, क्यों लोग बहुत प्रेशर कर रहे थे। बोले आप क्या कर रहे हो राजा? बोले बिस्मार्क पावरफुल हो रहा है, प्रशिया पावरफुल हो रहा है, हमारे ऑस्ट्रिया, हमारा जो फ्रेंडली कंट्री था उसको हरा दिया इसने, एंड एज अ रिजल्ट ये जब यहाँ पे लग्जमबर्ग को बाय करने की कोशिश करेगा तो बिस्मार्क यहाँ पे भी बोलेगा, बोले नो ब्रदर यू कैन नॉट बाय दिस। बोले दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, लग्जमबर्ग तो हमारा इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे नेपोलियन गुस्सा आ गया, बोले तुम क्या कर रहे हो, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड एज अ रिजल्ट द कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द बिस्मार्क एंड द नेपोलियन ऑफ फ्रांस। अब ये सब चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर चल रही थी। चलते चलाते जानकारी मिलती है कि 1868 के आसपास यहाँ पे स्पेन के अंदर जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, मैंने आपको बताया कि स्पेन, नेपल, सिसली और फ्रांस तीन जगह के बर्बन डायनेस्टी थी। 1815 में ही ये बर्बन डायनेस्टी उसको वहाँ पे फिर से रिस्टोर करा दिया था जब नेपोलियन वहाँ से हटा दिया जाता। ओके सो ये बर्बन डायनेस्टी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हुआ। यहाँ पे एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था क्वीन इजाबेल। ये इजाबेला को लोग बोलते हैं कि रानी तुम निकलो, शी वॉज फोर्स टू एबडिकेट हर स्टोन, उनको वहाँ से अपने हटा दिया जाता है। और इसके कारण स्पेन के अंदर एक मोनार्क की पोजिशन खाली थी। बोले नया राजा है, और स्पेन वालों ने बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दे दिया न्यूज़पेपर के अंदर, बोले कल हमारे यहाँ पे राजा की पोस्ट खाली पड़ी है, अपने दो पासपोर्ट साइज के फोटोज, 10th और 12th की मार्कशीट, साथों साथ एक ट्रू कॉपी करा हुआ फोटोकॉपी लेके आ जाना हमारे यहाँ पे। और इसी कंडीशन के अंदर प्रशिया का एक राजा था जिसका नाम था किंग लियोपोल्ड बेसिकली प्रशिया का राजा था, और उसको ये पोस्ट ऑफर की जाती है। अब देखिएगा फ्रांस का जो दबदबा स्पेन के अंदर भी था, क्योंकि वही बर्बन डायनेस्टी थी, और प्रशिया वाला अब स्पेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगता है कि फ्रांस उसको एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं। और इसके कारण यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि नेपोलियन बोल देगा कि नहीं भाई नहीं, स्पेन हमारा एरिया है, वहाँ हमारे बर्बन भाई रहते हैं, वहाँ मेरे भतीजा भतीजी यहाँ पे राज किया करते हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो किंग लियोपोल्ड के ऊपर प्रेशर डाला गया, और फ्रांस प्रेशर करता है प्रशिया को कि भाई तू यहाँ पे है ना राजा की पोस्ट से अपना विड्रॉल कर दे। ओके तो ये कंडीशन में अंदर किंग लियोपोल्ड बोलता है कि ओके बॉस मैं विड्रॉ कर देता हूँ, ये किंग लियोपोल्ड है। किंग लियोपोल्ड बोलता है कि कोई बात नहीं बॉस, मैं विड्रॉ कर देता हूँ। अब थोड़ा समय निकला बट फ्रांस सुधरता नहीं। फ्रांस चाहता था कि किंग लियोपोल्ड जो विड्रॉ कर रहा है वो ऑफिशियल एक बड़ा सा पेपर के अंदर वो है ना अपोलॉजी लेटर लिख के दे। बोले हेंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट क्लेम फॉर द पोस्ट ऑफ द किंग इन स्पेन एंड आई ट्राई टू कन्फाइन माई सेल्फ इन प्रशिया ओनली। ओके सो किंग लियोपोल्ड वॉज विड्रॉज फ्रॉम द थ्रोन, बट द फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर इंसिस्टेड ऑन अ प्रशियन गारंटी दैट द कैंडिडेसी वुड नॉट बी रिन्यूड। तो इसके कारण यहाँ पे फ्रांस और प्रशिया के बीच में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट बना। इनका नाम था ड्यूक डी ग्रेमोंट, जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर थे। वो एक दिन यहाँ पे एम्स नाम की जगह होती है, एम्स के अंदर रिसोर्ट था, और वहाँ पे प्रशिया के राजा बैठा करते थे किंग विलियम। ये किंग विलियम को बोलेंगे, उनको मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई तुम लिख के दो, जो भी करना है लिख के दो, सरकारी कामकाज है, लिख के देना पड़ेगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट क्लेम इन स्पेन। तो राजा ने बोला कि भाई बोल तो दिया यार, नहीं करेगा, भाई है मेरा, मेरा भतीजा है भाई ये लियोपोल्ड, यार आप तो ऐसे थोड़ी बात कर रहे हो। बोले हमारी भी जबान की कोई कीमत है। तो फ्रांस वाला एडमंड था, बोले नहीं आपको लिख के देना पड़ेगा। तो ये किंग विलियम था, वो बोलता है कि रुक भाई मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, मुझे है ना बिस्मार्क को पूछना पड़ेगा। और अल्टीमेटली यू विल सी कि किंग विलियम रिफ्यूज टू गिव दिस फेरेंसी टू द फ्रांस एम्बेसडर एट एम्स। ये एम्स के अंदर रिसोर्ट के अंदर छुट्टियां मना रहा था, और ये फ्रांस का राजदूत, ये जो राजद्वारी था वो यहाँ पे उसको मिलने जाता है।
तुरंत ही राजा हरकत में आता है जब उसको मिलता है फ्रांस का नागरिक, फ्रांस का जो एम्बेसडर था, और बोलता है कि आई नीड टू इन्फॉर्म बिस्मार्क, और वो डायरेक्टली यहाँ पे बिस्मार्क को एक टेलीग्राम करेगा जिसे कहा जाता है एम्स टेलीग्राम और एम्स डिस्पैच। ये एम्स टेलीग्राम और एम्स डिस्पैच के अंदर ये पूरी की पूरी जो वाकया हुई थी, ये इनका जो टॉक और डिस्कशन हुआ था, उसके बारे में सब कुछ लिखता है। कैन यू सी दिस? ओके, आप मैं इसके अंदर देखेगा तो इसके अंदर सब कुछ लिखा है। राजा ने बोले यार ये राजवारी यहाँ पे आया और इतनी सारी बवाल कर रहा था, और जैसे बिस्मार्क को ये संदेशा मिला ना, बिस्मार्क सोच रहा था कि फ्रांस को पट्टे में लेना है एक या दूसरी तरह से। ऑलरेडी फ्रांस और बिस्मार्क के बीच में कन्फ्लिक्ट तो था ही, तो बिस्मार्क यहाँ पे कुछ मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और मौका ये एम्स का टेलीग्राम दे देगा। ये बिस्मार्क क्या करता है दूसरे दिन कि एम्स का टेलीग्राम को थोड़ा मैनिपुलेटिव उसको उपयोग करेगा। वो क्या करेगा कि ये टेलीग्राम का एक आर्टिकल बनाएगा, और वो आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे इसका फायदा उठाएगा। बिस्मार्क मैनिपुलेटेड द सिचुएशन बाय मेकिंग द प्रशियन किंग लुक लाइक ही वॉज मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द फ्रेंच देन ही रियली वॉज। सेकेंडली बिस्मार्क क्या करता है कि ही मेड द फ्रेंच लुक लाइक दैट दे ह्यूमिलेटेड द प्रशियन किंग। तो इसके कारण आपको जानकारी मिलेगी कि फ्रांस के राजा को ह्यूमिलेट किया गया है प्रशिया के द्वारा, ऐसा उसने टेलीग्राम पब्लिश करा है। बोले देखो देखो देखो, फ्रांस का एम्बेसडर आया था हमारे राजा को मिलने के लिए, और हमने उनकी जो प्रजा, उनकी जो एम्बेसडर थी, उसकी धजिया उड़ा दी। उसके कारण आपको जानकारी मिलती है कि पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर के अंदर उसने पब्लिश किया, तो ये आर्टिकल पब्लिश किया जाता है तो तुरंत ही यहाँ पे फ्रांस की पब्लिक हरकत में आती है, क्योंकि फ्रांस के अंदर भी ये संदेशा मिला। बोले हमारे एम्बेसडर को इंसल्ट किया गया प्रशिया के राजा के द्वारा, तो फ्रांस की पब्लिक राजा के ऊपर प्रेशर डालती है, और फ्रांस का राजा बोलेगा कि बिस्मार्क अब बहुत हो गया है, तूने हमको लग्जमबर्ग नहीं दिया, तूने हमारे स्पेन के अंदर इंटरवेंशन किया, तूने यहाँ पे ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर के दौरान हमारी न्यूट्रलिटी गेन करके हमारा विश्वासघात किया है, एंड एज अ रिजल्ट दिस प्रोवोक द केओस बोथ इन फ्रांस एंड प्रशिया, एंड इवेंचुअली द फ्रेंच एंड द प्रशियन फॉट अ वॉर। अब बिस्मार्क यही चाहता था कि फ्रांस को प्रोवोक किए, और वो फ्रांस को प्रोवोक करता है। जैसे ही फ्रांस को वो प्रोवोक करेगा, फ्रांस की सेना और प्रशिया की सेना एक दूसरे के सामने टकराएगी। अब देखेगा कि यहाँ पे बिस्मार्क अपने फिर से स्मार्ट स्किल्स यूज करेगा। उसको पता था कि मुझे फ्रांस को डिफीट करना है तो मुझे हर एक जर्मन नागरिक का सपोर्ट चाहिए, और हर एक जर्मन नागरिक का सपोर्ट तभी मिल सकता है जब वो यहाँ पे जर्मन लोगों को इमोशनली कलेक्ट करेगा। बिस्मार्क क्या करता है कि एक जो पुराना लेटर था, जो राइन नदी को न्यूट्रल करने वाला लेटर था, वो फिर से दूसरे दिन न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कराएगा, और बिस्मार्क बोलेगा कि ये न्यूज़पेपर के अंदर नेपोलियन हमारी टेरिटरी लेने की कोशिश कर रहा है, और जर्मनी की जो पब्लिक थी, जर्मनी के जो स्टेट्स थे, वो सब के सब इकट्ठे हो जाता है, और जर्मनी के अंदर एक इतना बड़ा इमोशनल वेव क्रिएट होता है, सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई फ्रांस को तो हमको हराना ही पड़ेगा। एंड इन दिस कंडीशन यहाँ पे 1870 के अंदर सीडान का युद्ध होगा, द बैटल ऑफ सीडान टेक्स प्लेस, एंड ऑन वन साइड इट वॉज द फ्रेंच आर्मी, ऑन द अदर साइड इट वॉज द जर्मन आर्मी, और यहाँ पे जर्मनी के अंदर जो इमोशनल वेव क्रिएट किया था, वो इमोशनल वेव के कारण बिस्मार्क की सेना यहाँ पे फ्रांस को हरा देती है, और सीडान के युद्ध के बाद अल्सेस और लॉरेन जो दो प्रदेश थे, वो दो प्रदेश जर्मनी ले लेगा, और जर्मनी बोलेगा कि हम लोग एक हो गए हैं। इसके बाद भी जर्मनी रुकता नहीं है, जर्मनी इसके बाद एक ट्रीटी करेगा, ये ट्रीटी का नाम है अल्सेस ऑफ लॉरेन, और अल्सेस ऑफ लॉरेन के बाद उसको ले लेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे जर्मनी के अंदर एक सेकेंड रीच का डेवलपमेंट करेगा। बोले हमारा भी एक सेकेंड एम्पायर बन गया है। अब देखेगा कि बिस्मार्क वॉज ए इंपीरियलिस्टिक पर्सन। बिस्मार्क चाहता था कि सबसे पहला जर्मनी का साम्राज्य बना था वो था होली रोमन एम्पायर, जो फ्रेडरिक द ग्रेट करके किंग हुआ करता था, उसने बनाया था। उसके बाद बिस्मार्क बोलेगा कि अब जर्मनी का समय आ गया है कि अब ऑस्ट्रिया गया, फ्रांस गया, ब्रिटेन गया, अब जर्मनी रूल करेगा, और इसके लिए अपने आप को बोलेगा दैट वी आर दी जर्मन रीच एंड द सेकेंड रीच। अभी बिस्मार्क कि ये जो सेकेंड रीच की पॉलिसी थी, वही पॉलिसी को हिटलर कंटिन्यू कराएगा, और हिटलर जब 1940s के अंदर पूरे यूरोप के अंदर तरखाट मचा रहा होता है, तो हिटलर बोलेगा दैट आई विल बिल्ड द थर्ड रीच
एंड दैट इज द थर्ड जर्मन एम्पायर। पहला फेडरिक द ग्रेट ने बनाया होली रोमन एम्पायर के दौरान, दूसरा बिस्मार्क ने बनाया, और तीसरा हिटलर बोलेगा कि मैं बनाऊंगा तीसरा साम्राज्य, दैट इज द थर्ड रीच। इसके बाद भी जर्मन चुप नहीं होते हैं, जर्मन कंटिन्यू करेंगे कि कुछ भी हो जाए फ्रांस को खत्म करना है, और फ्रांस को तभी खत्म कर सकते हैं जब फ्रांस को हम लोग ह्यूमिलिएट करेंगे। और ये ह्यूमिलिएशन फ्रांस के लोगों का करता है जो वर्साई के किले के अंदर, जहां पे नेपोलियन रहा करता था, वो वर्साई के किले के अंदर जर्मनी के राजा, जर्मनी के स्टेट्समैन, जर्मनी के पॉलिटिशियंस, बिस्मार्क, फ्रेडरिक विलियम, सब लोग इकट्ठा होंगे और एक जलसा करेंगे, एंड देन दे विल प्रोक्लेम दैट द जर्मनी इज यूनिफाइड, द जर्मन एम्पायर हैज स्टार्टेड एंड द फ्रेंच इज नो मोर। यू विल रियलाइज कि फ्रांस के लोगों को इतना ह्यूमिलिएट किया गया जर्मनी के द्वारा कि यही फ्रांस का इंसान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर था, वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्लोमेंसो एक डायलॉग बोलता है, बोले आई कैन स्टिल हियर द थंपिंग ऑफ द जर्मन हॉर्सेस इन द पैलेस ऑफ वर्साय व्हेन द जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस। बोले जर्मनी की जो यूनिफिकेशन हुआ था उसमें जो घोड़े आए थे हमारे राजा के किले के अंदर, वो हमको याद है, और हम लोग जर्मनी को इस बार खत्म कर देंगे, हम लोग जर्मनी को तबाह कर देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वही फ्रांस ने करने की कोशिश की है। तो जर्मनी ने बेसिकली फ्रांस को ह्यूमिलिएट किया था, और वही ह्यूमिलिएशन के कारण फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी को ह्यूमिलिएट करेगा, क्योंकि जर्मनी ने अपने आप को यूनिफाई तो किया, अपने आप को प्रोक्लेम तो किया, बट कहां पे प्रोक्लेम करता है, बोले फ्रांस के राजा के किले के अंदर। और कोई भी प्रजा ये चीज नहीं सह सकती कि भाई हमारी सबसे सुप्रीम पॉलिटिकल फोर्स थी उसके घर के अंदर जाके आप यहां पे ट्रीटी साइन कर रहे हो, और वही चीज आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर रिपीट होगी। तो होपफुली आपको समझ में आता है कि फ्रॉम 1870 ऑनवर्ड्स टिल 1914 यू विल सी कि जर्मनी अपने आप को एक्सपांड करेगा, वो इतना एक्सपांड करेगा, इतना एक्सपांड करेगा, इतना एक्सपांड करेगा, तो उसी के कारण वो ब्रिटेन के साथ कन्फ्लिक्ट में आएगा, और ब्रिटेन के साथ जब कन्फ्लिक्ट में आएगा तो इंपीरियलिज्म के कारण वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। ओके, तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर और भी जर्मनी को 1870 और 1890 के बीच में जानेंगे, बट यहाँ पे ही हम लोग जर्मन यूनिफिकेशन को कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।